चलिए बुबू हम आते हैं फिजिक्स में सबसे पहले, और ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना, ये आपको 2 से 5 नंबर का पूछता है आपके एग्जाम में, 2 नंबर के या तो 5 नंबर के। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में हम बता रहा है। और ये भी आपका चैप्टर नंबर है क्या, फर्स्ट चैप्टर नंबर है, और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इस फिजिक्स में, साइंस में, यानी फिजिक्स के अंदर में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूछा हुआ है। और इसमें यानी प्रकाश के परावर्तन में आपको ये चीज याद रखना होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, किसके? प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब कोई भी चीज बनता है, जैसे संविधान बना है, तो संविधान का कोई नियम कानून होता है, होता है कि नहीं होता है? कोचिंग स्कूल खुलता है तो उसका कुछ नियम कानून होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। यानी जो चीज है उस सब का कुछ ना कुछ नियम और कानून बनता है। क्या बनता है? नियम और कानून। आप सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, इधर सपना इधर देखिए। तो यहाँ पर आपको इस बोर्ड पर ध्यान देना है, और यहाँ पर ध्यान आपको हम बार बार करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो एकदम लगभग आपको यहीं पर याद हो जाएगा, अन्यथा आप घरे खूबे रटना पड़ेगा। तो रटना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, और 2-4 बार खाली घरे पढ़ लीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझिए रहे रटते रटते मुंह दुखा जाएगा, तो नहीं याद होगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन में। तो प्रकाश के परावर्तन में आज हमको पढ़ाना है प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में आज हमको पढ़ना है। किसके बारे में? नियम के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम बनाने से पहले हम उसका डायग्राम बना के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हम अभी आपको जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डायग्राम। आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला कांटा टाइप के निकला होगा, निकला है ना कांटा टाइप के, ये कांटा टाइप के जो निकला हुआ है इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। बुक नहीं निकालो, बुक में नहीं देखना है। हम बोलते हैं ना जब हम समझाएंगे तो कॉपी किताब बंद करके इस पर ध्यान दीजिए और 100% याद हो जाएगा। ठीक है, जब हम समझाएंगे तो इस पर देखना है, और समझा लेने के बाद आप अपना देखिए या उतारिए या समझिए, है ना, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये जो कांटा नियम निकला हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। कहीं पर हम ऐसे करके और ये करके कर दे देंगे तो आप समझ जाइएगा इसका नाम क्या है, समतल दर्पण। समतल माने प्लेन मिरर। कैसा मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, मिरर माने होता है दर्पण। आ दर्पण किसको कहते हैं मालूम है बुबो? आईना के, आईना के। हम लोग मुंह देखते हैं ना, बावड़ी सोचते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, है ना, आईना में देख देख के घूम कहते बच्चा भोरे भोरे सूत उठ के उड़ जाएगा। पहले अपन दूगो जुल्फी गिरा लेगा इबा ले, पूरा ऐसे ऐसे करते रहेगा। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं, एगो हमारा ये किरण निकला है, और यहाँ से फिर एक और किरण निकला है, और बीच में जो है देखिए, तो इसको हम जो कहते हैं, ये जो गया हुआ है इधर से प्रकाश जाता है, इसको हम कहते हैं प्रकाश, यानी आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण। और ये जो आने के बाद यहाँ पर टकरा जाता है, और टकराने के बाद इधर से निकल जाता है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है,
पीडीएफ भेज दिए कहाँ है परावर्तित की ना ये वो फ्री डी से छतरी उतरी पूरा सेट ले लीजिएगा ठीक आपतित किरण आप समझ गए यानी इधर से प्रकाश क्या हो रहा है आ रहा है आने वाले यानी प्रकाश जहाँ से आएगा उसको हम क्या कहेंगे जहाँ से प्रकाश आएगा उसको हम क्या कहेंगे जहाँ से प्रकाश आएगा उसको हम अहा भैया अहा हमरा अंगना में अहा हमरा मारो में अहा तो देखिए यहाँ पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपतित किरण और आ करके फिर जा रहा है तो परावर्तित याद रखिएगा जा रहा है अब मान लेते कोई ब्याह में आएगा तो आने के बाद कल का दिन मौज मस्ती करेगा फिर चल जाएगा है ना तो आया है और फिर चल गया तो आने वाले किरण को हम इंसिडेंस रे बोलते हैं इंसिडेंट रे इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे इसीलिए इसको हम आई से सूचित करते हैं आपसे हम पूछ देंगे और हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में कि आपतित किरण को क्या कहते हैं यानी किस चीज से सूचित किया जाता है आई से आपतित किरण को क्या चीज से सूचित किया जाता है आई से और परावर्तित किरण को आर से याद रखिएगा परावर्तित किरण को आर से परावर्तित किरण को आर से और ये बीचवा में जो है ओई पार लती वही पार लती या बीच में सरस्वती ठीक इसको हम कहते हैं अभिलंब क्या कहते हैं इसका नाम क्या है अभिलंब लंब अभिलंब ये बीचवा वाला को हम क्या कहते हैं अभिलंब बीचवा में जब पैना दिले है उसका कथी नाम है अभिलंब अभिलंब आई कतला के परावर्तित किरण आपतित किरण है परावर्तित किरण है कौन कौन किरण है ठीक आई बीचवा वाला के नाम अभिलंब आई पार डंडा बीच में खमा चलिए इसको जो है ओरिजिन कहते हैं यानी ओ से सूचित करते हैं याद कीजिए ओरिजिन को हम ओ से सूचित करते हैं जो जिसका मूल बिंदु जीरो जीरो होता है क्या होता है मूल बिंदु जीरो जीरो होता है याद रखिएगा ये चीज याद रखना है और इसको हम कोई भी चीज ले सकते हैं हम अक्सर एन से सूचित करते हैं एन रखिए या एम रखिए कोई भी चीज रख सकते हैं अच्छा इतना चीज तो आप समझ गए इतना चीज समझने में किसी को दिक्कत नहीं अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए आपको कहेगा कि बहू हमको एक चीज बताओ कि आपतित किरण तो समझ गए आपतन कोण किसको कहेंगे तो बहू अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे आपतित कोण आपतन कोण बोलेंगे क्या बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे यानी इस वाले को हम आपतन कोण कहेंगे ओके आप इसमें कहेगा परावर्तन कोण किसको कहेंगे तो याद रखिएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे परावर्तन कोण परावर्तन कोण बोलेंगे याद रखिए आपतन कोण समझ गए परावर्तन कोण समझ गए ये चीज याद रखना आपतन कोण परावर्तन कोण बुझ गए अब आपको सुने होइएगा झिझिर कोना खेला होगा झिझिर कोना कोन कोने जाओ है ना उहे है आपतन कोण इसमें दे दिया आपतन कोण किसके किसके बीच में है अभिलंब और आपतित किरण किसके किसके बीच में है अभिलंब तो आप लोग आसानी से जवाब दे दीजिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण को हम क्या कहते हैं आपतन कोण अच्छा परावर्तन कोण किसको कहेंगे परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण को परावर्तन कोण समझ गए इतना चीज बुझ गए अच्छा आप लोग से एक बार सवाल पूछ लेते हैं बताइए आपतन कोण किसको कहेंगे परावर्तन कौन किसको कहेंगे बुझ गए यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बनेगा इसको हम क्या कहेंगे आपतन कोण अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे परावर्तन कोण समझ गए इतना चीज बुझ गए इस सब चीज को आप माइंड में से हटा दीजिए अब आपको मेन निम्न चीज बताते हैं निम्न
वीआईपी वाला चीज घी। अब मान लेते हैं ये जो है दूध था, अब ये दूध में से मलाई आप छानते हैं, मलाई अब मिलेगा आपको। मलाई क्या है आपका? मलाई है, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि परावर्त प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? क्या सवाल पूछ देता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? ये सवाल आपसे पूछ देता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। क्या पूछ देता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? क्या सवाल पूछता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? तो बहुओ याद रखो, नियम जो है कै गो है? दो गो है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? दो गो। प्रकाश ऑप्शन में आपको दे देगा, दो गो, चार गो, छह गो, इनमें से कोई नहीं। जी, में? जी, हाँ, इस तरह से सवाल में मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा, ए ऑप्शन में दिया रहेगा दो गो, बी में दिया रहेगा चार गो, सी में दिया रहेगा छह गो, और डी में दिया रहेगा इनमें से कोई हैं, इनमें से सभी, इनमें से सभी कोई नहीं, इनमें से सभी कुछ भी, क्या ऑप्शन होगा? दो। आंसर हो जाएगा इसका दो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? तो चलिए हम चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा है कितना है, तो नियम हम कितना जानते हैं? दो गो। नियम का गो? दो गो। प्रकाश के परावर्तन के नियम का गो? प्रकाश के परावर्तन के नियम का गो? दो गो। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो गो। अब वो दो गो हम जानते हैं कि भैया कौन कौन है, ये दो गो आखिर आया किधर से और कौन कौन है, ये चीज सबसे पहले जानेंगे। इसमें थोड़ा सा ज्यादा कचरा हो गया है, इधर हम उसी फोटो को इधर पार के दिखाते हैं आपको। देखिए ये हो गया समतल दर्पण, और समतल दर्पण पर हम क्या डाले हैं सब बताइए। ये हो गया हमारा समतल दर्पण, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ये हमारा क्या है सब बताइए? ये हम क्या पा रहे हैं, इसका नाम क्या है? समतल दर्पण है, वेरी गुड। और समतल दर्पण पर ये अब हम डाले हैं, क्या डाले हैं? आपतित किरण, आपतित किरण डाले हैं। और ये हम क्या डाल रहे हैं सब बताइए? परावर्तन, वेरी गुड। और ये बीचवा में हम क्या डाल रहे हैं? अभी बीचवा में क्या डाले हैं? अभिलंब। अब इतना चीज तो हम जान गए, यही में से हमसे सवाल पूछ दिया है, प्रकाश के परावर्तन के बहुओ नियम पूछ दिया है। हमारा माइंड में सर जी हमारे बताइले है ना, हमारे सर जी का कथी बताइले है मनीष सर, कि दो गो है प्रकाश के परावर्तन का वो है। हमारे सर बताए हुए है मनीष सर कि प्रकाश के परावर्तन दो गो है। अब दो गो है तो भैया वो कौन कौन हो सकता है वो हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी जितना मान इसके, हालांकि हमको पारने में इतना लम्हर लग रहा है, छोट लग रहा है, लेकिन जब असली में कीजिएगा ना तो जितना इस कोण का मान होगा उतना भी इस कोण का मान होगा। यानी दो गो भाई रहता है, ए वो का नाम है आई, ए वो का नाम है आई, दूसरका का नाम है आर, यानी ए वो का नाम है आई और दूसरका का नाम है आर आर। अब आई आर दो गो भाई है, तो भैया अब दो भाई है तो उसका जमीन जत्था भी बराबर बराबर बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा? बराबर बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? अब जितना ओई भाई के मिलेगा उतना भी ओई भाई के मिलेगा। तो याद रखिएगा, आप वहां पर जवाब दीजिएगा प्रथम नियम में, यानी दो नियम है ना, तो दो नियम में पहला नियम में हो जाएगा कौन आई बराबर कौन आर होता, कौन आई बराबर कौन आर होता, ये चीज पहला में जवाब दे दीजिएगा होता है। पहला में बाद में ये जवाब दे दीजिएगा। दूसरका में, दूसरका में आप जवाब दीजिएगा, दूसरका में क्या जवाब दीजिएगा कि आपतित किरण, बोलिए आपतित किरण तथा, बोलिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, क्या चीज डाला गया डाला गया अभिलंब,
अभी लंब, तीनों एक ही, होता है। देखिए इसका जवाब क्या है, जवाब यही है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही तल। ध्यान से देखिए, तीनों एक ही तल पर कोनो कोनो है। ये आपतित किरण है जी, आके यहाँ मिल गया ले। ये परावर्तित किरण है जी, यो आके यहाँ वहां मिल गया। मिला कि नहीं मिला जी, बोलो ना। इहो यहाँ पर आके मिलल है जी, आई हो जो है यहाँ पर मिलल है जी। आई बीचवा में एक नाम कथी है अभिलंब, अभिलंब इहो आके इमे मिल गया है। तो ये चीज ना हम यहाँ लिखे हैं, आपतित किरण। आपतित किरण माने ई वाला किरण, देखिए ई वाला किरण यहाँ में आके मिला है। चलिए तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये है ना, आके मिला है। देखिए ध्यान से, मिला कि नहीं मिला। और डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब ये ना जी, यह आकर कहा मिल गया, वही मिल गया। यानी यही दो नियम हो जाएगा। पहल का नियम जो हो जाएगा कौन आई बराबर कौन आर, पहल का नियम क्या हो जाएगा आई बराबर आर, आर। कौन आर। और दूसरा का नियम में हो गया कंप्लीट बस। तुम तो आ रहे हो। अरे दो।